ग्रामीणों की ज्वलंत समस्या को लेकर के आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। इतना बड़ा एक भयंकर करप्शन जिसकी कल्पना कभी बिहार वासियों को, करोड़ों का घूस इससे वसूला जा रहा है। कमजोरों के घर से पैसे वसूल करके करोड़ों करोड़ रुपए के महल इनके खड़ा हो रहे हैं। 1 अक्टूबर से पूरी बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ग्रामीणों की ज्वलंत समस्या को लेकर के आंदोलन छेड़ने जा रहे हैं। वो ज्वलंत समस्या है स्मार्ट मीटर का। स्मार्ट मीटर का मतलब सरकार के द्वारा आम जन की लूट। यह एक लूट ऐसी भयानक जिसे त्रस्त है नगर का कोई व्यक्ति हो या गांव का व्यक्ति हो, सभी लोग त्रस्त हैं। कल्पना कर लीजिए, मैं आप लोगों को कागज देख दूंगा, देख लीजिए। यह अभी पूरी देश की योजना है तो अन्य प्रदेशों की रफ्तार कम क्यों है और अकेला बिहार इतनी तेजी से क्यों बढ़ता जा रहा है स्मार्ट मीटर में? आप लोग लिख रहे हैं, आप लोग लगातार बोल रहे हैं जनता के बीच में, स्मार्ट मीटर का ठीका देने में करोड़ों की हेरा फेरी उस समय के सीएम भी सरकार से मिलकर के किया। इतना बड़ा एक भयंकर करप्शन जिसकी कल्पना कभी बिहार वासियों को नहीं। करोड़ों का घूस इससे वसूला जा रहा है। सरकार के खजाने से तो घूस गया ही, आम जनता से भी वसूला जा रहा है लगातार पैसा। कल्पना कर लीजिए, अकेले बिहार में स्मार्ट मीटर जितना लगा उतना समेकित पूरे भारत में नहीं लगा। ठीक से देखिए, इस बिहार में स्मार्ट मीटर की इतनी तेजी का मकसद क्या है? एक लूट का आयाम खड़ा किया गया। पूरे बिहार में 32 लाख मीटर लग गए हैं स्मार्ट मीटर, 32 लाख स्मार्ट मीटर, और पूरे देश में 1,84,000 अर्थात करीब करीब 30% के आसपास अकेले बिहार में लगा है। एक से एक बड़े राज्य हैं, एक से एक धनवान राज्य है, एक से एक बड़ा नगर भाषी यहाँ है दूसरे प्रदेशों में, और नहीं लगा। इन्होंने जो ठीका दिया है कितने का ठीका दिया है कि 1,72,00,000 से ऊपर बिहार में लगेगा। 1,72,00,000 से लगेगा लगातार हफ्ते डेढ़ हफ्ते से छापा पड़ रहे हैं, टीवी गिरफ्तार कर रही है। इसलिए करप्शन का चार्ज कोई मैं नहीं लगा रहा हूं, ये तो साबित हो चुका है भारत की सरकार की संस्थाओं के द्वारा कि किस ढंग से घपला किया गया है और कमजोरों के घर से पैसे वसूल करके करोड़ों करोड़ रुपए के महल इनके खड़ा हो रहे हैं बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में।